दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन पे का जो UPI पिन है वो भूल चुके हैं और अपना फ़ोन पे का UPI पिन आप बिना ATM कार्ड के फिर से सेट करना चाहते हैं, यानी फिर से आप नया बनाना चाहते हैं अपने UPI पिन विदाउट ATM कार्ड, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। आप बिल्कुल आसानी से बिना ATM कार्ड के भी अपना UPI जो पिन है उसे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ोन पे का जो डैशबोर्ड है ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में मेरा प्रोफाइल फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। हो सकता है आपको यहाँ पर प्रोफाइल का आइकॉन मिले, आप इसी आइकॉन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस जो होगा आपके सामने इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया होगा, तो बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे के साथ जितना भी आपने अकाउंट लिंक किया होगा वो सभी अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जिस भी अकाउंट का आप UPI पिन भूल चुके हैं, अपना UPI पिन आप बिना ATM कार्ड के रीसेट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, आप अपने उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का अगला इंटरफेस फिर से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा UPI पिन का और ठीक उसके सामने रीसेट और चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आप अपना जो फ़ोनपे का UPI पिन है उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ओल्ड UPI पिन एंटर करेंगे, अपना नया UPI पिन जो बनाना चाहते हैं वो डालेंगे, फिर से एक बार नया UPI पिन डालेंगे और कन्फर्म कर देंगे, आपका UPI पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना UPI पिन जो है भूल चुके हैं और बिना ATM कार्ड के अपना UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं तो ठीक उसके बगल में यानी पहले नंबर पर रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यानी दिखाई देगा आधार नंबर लिंक विथ बैंक और नीचे आपको डेबिट ATM कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके पास डेबिट ATM कार्ड मौजूद है तो यहाँ पर कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके पोर्ट्रेट कर देंगे और अपना कार्ड का डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद बैंक की तरफ से OTP आएगा, उसके बाद आप नया UPI पिन नंबर आसानी से सेंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना ATM कार्ड के करना चाहते हैं, आपके पास ATM कार्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आधार नंबर लिंक विथ बैंक वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और नीचे पोर्ट्रेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस कुछ सेकंड आप वेट करेंगे पोर्ट्रेट करने के बाद, उसके बाद जो अगला इंटरफेस नज़र आएगा इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पर आपको इंटर द फर्स्ट सिक्स डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी आपसे यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा उसका स्टार्टिंग का 6 अंक यानी शुरू का 6 अंक आपको यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी आपका स्टार्टिंग का 6 अंक है आधार नंबर का, उस नंबर का स्टार्टिंग का यानी शुरू का 6 नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पर यानी आधार के द्वारा आपके आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, हो सकता है ऑटोमेटिक ले ले और हो सकता है ऑटोमेटिक ना भी ले, तो मैसेज के थ्रू भी आपको OTP मिल जाएगा। उस OTP को यहाँ पर देखकर आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू टिक दिखाई दे रहा है ये इस ब्लू टिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बैंक की तरफ से जो OTP आएगा यानी एक OTP आपको बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर नंबर पर भेजा जाएगा। देख सकते हैं मेरा OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया है, हो सकता है आपका भी ऑटोमेटिक ले ले, अगर नहीं लेता है तो आप मैसेज के थ्रू अपना OTP देख लेंगे और यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद ब्लू टिक के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर नया UPI जो पिन है वो सेट करने का ऑप्शन दे दिया गया है। तो जो भी आप UPI पिन रखना चाहते हैं 6 अंकों का, वो UPI पिन आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। UPI पिन इंटर कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से ब्लू टिक के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से अगले इंटरफेस में एक बार कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि जो भी आपने UPI पिन अभी सेट करने के लिए डाला हुआ था सेम UPI पिन आप फिर से दोबारा अपना इंटर कर लीजिए। तो उसी पिन को आप दोबारा यहाँ पर इंटर कर लेंगे। दोबारा अपना UPI पिन यहाँ पर डाल लेने के बाद फिर से ब्लू टिक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इस ब्लू टिक के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। इस तरीके से आप बिना ATM कार्ड के अपने आधार नंबर के थ्रू अपना जो UPI पिन है उसे रीसेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं।